सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ बुलाया है अमेज़ॉन से, आप देख ही सकते हैं मैंने कुछ बुलाया है। तो फ्रेंड्स, खोलने से पहले अपन इन्हें सैनिटाइज कर लेते हैं, अच्छे से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आप सबके साथ। ये अभी तक खोला नहीं था वैसे, मैंने आपके सामने ही खोला है, देख ही सकते हैं आप। और ये आ गए हमारे कलर्स, ब्रश पेंट, कैमल ब्रश पेंट आ गए हमारे सामने, देखो आप। और यहाँ पे लिखा है कैमल ब्रश पेंट 24 ब्रश कलर। और यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स दी हैं इन कलर्स के बारे में, ये मुझे पढ़े हैं प्लीज़। 36 आप पढ़ ही सकते हैं बिल्कुल इन कलर्स के बारे में डिटेलिंग। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, फिर भी कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, साइज कर लेते हैं। ये कलर्स को भी सैनिटाइज हमने अनबॉक्स करते हैं। आ गए हमारे कैमल के कलर, ये आ गए, देख ही सकते हैं 24 कलर्स हैं इनमें, बहुत सारे अलग अलग। पीछे कुछ नहीं दिया है, आगे ना बाजू में, ये कलर्स हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं ऐसा सुना है मैंने। चलिए अब इनका रिव्यू करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं ये पेपर पे, कैसा इनका रहता है। चलिए तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि कलर्स के जो टॉप है वहाँ पे ब्रश टाइप का बना है, ये ब्रश पेन है, ये पेन जैसे नहीं, ये ब्रश है। इसके आगे आप देख ही सकते हैं ये ब्रश ऐसे चलते हैं, देख ही सकते हैं ऐसा आपने पेंट किया होगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी और बहुत, तो आप देख ही सकते हैं कलर पे कैमल ब्रश लिखा है। और चलिए ना पेपर पे ट्राई करते हैं। अगर आपको कलर बाय करने हैं तो मेरे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर ही सकते हैं, वहाँ पे आपको कलर और जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ सबकी लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। तो फ्रेंड्स, ये A4 साइज का पेपर है, सिंपल पेपर लिया है मैंने ये, और आप देख ही सकते हैं इस पे कलर, अलग अलग कलर कैसे डिफरेंट ऐसे हो रहे हैं, बहुत डार्क भी नहीं है और ज़्यादा पतले भी नहीं, कलर अच्छे हैं। ये मैंने स्केच बनाया, इस पर आउटलाइन करते हैं और फिर कैमल के ब्रश पेन का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसा कलर आता है और कैसे ये इस स्केच को अच्छा या ब्यूटीफुल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स, अब बारी है ब्रश पेंट की, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा कलर आता है और कैसी लगती है अपनी स्केचिंग ड्राइंग। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि कलर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कलर कैसे हैं। और इसमें बहुत सारे कलर मिसिंग है, मतलब मोस्ट ऑफ कलर नहीं है इस सेट में। तो मैंने डॉम्स की पेंसिल कलर का यूज़ किया है, तो उसके लिए सॉरी, पर उससे भी अच्छी शेडिंग आई है और कलर भी और स्केच भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बात करें तो मैं इन्हें 10 में से मार्क्स दूंगा 7, क्योंकि एक नंबर कलर मिसिंग का और दूसरा नंबर कुछ कलर डार्क है और कुछ कलर लाइट है और
ये है ना आपस में मिक्स हो रहा है, मतलब जो पेन है वो एक दूसरे कलर में मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो अलग ही दिख रहे हैं कि ये कलर अलग है और ये अलग है इसलिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको बाय करना हो तो मैं कमेंट्स बॉक्स में इन कलर्स की लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ सपोर्ट मी और प्लीज़ शेयर इन द वीडियो, लाइक करना मत भूलना गाइस प्लीज़।